हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास सेवेंथ में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7, दैट इज जीवों में श्वसन। तो हम जीवों में श्वसन यानी कि हम बात करेंगे किसकी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की। हम श्वसन तंत्र की बात करेंगे। श्वसन तंत्र हमारा कैसा होता है, कुछ इस तरीके के पार्ट्स हमारे शरीर के इन्वॉल्व होते हैं श्वसन की प्रक्रिया में। यानी कि अगर इसको साधारण तौर पे बोलें तो हम सांस लेते और छोड़ते रहते हैं निरंतर, उसके बीच में हमारे शरीर में कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस होती है, कुछ स्पेशल प्रक्रियाएं होती हैं। वो कौन सी हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। आप सभी को पता है कि हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। हम क्या करते रहते हैं, हम सांस लेते रहते हैं और सांस छोड़ते रहते हैं। तो ये जो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया है बच्चों, ये जो है आपका एक्सहेलेशन और इनहेलेशन कहलाता है, यानी कि अंतः श्वसन और उच्च श्वसन कहलाता है, जिसमें हम सांस अंदर को खींचते हैं और सांस बाहर को छोड़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम जब सांस अंदर को खींचते हैं तो कुछ वायु का पार्ट हम अपने शरीर के अंदर ले रहे होते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम सेम वही वायु बाहर नहीं छोड़ते, बल्कि उनके अंदर मौजूद जो गैसों का मिश्रण है वो बदल चुका होता है। सबसे पहला सवाल ये है कि हम सांस क्यों लेते हैं, मतलब हम रेस्पायर क्यों करते हैं। सांस लेना और श्वसन करना दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, तो हम श्वसन की प्रक्रिया क्यों करते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। यदि हम सो रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं या हम कोई भी काम कर रहे हैं, तो हमें किस चीज की आवश्यकता होती है, हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फूड में वो एनर्जी होती है जो स्टोर होती है और वही हमारे श्वसन के टाइम पे रिलीज होती है, यानी भोजन में जो एनर्जी रिलीज होती है वही श्वसन के टाइम पे रिलीज होती है, उसी को हमारा शरीर यूज कर पाता है। सभी जीव, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर करते हैं टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। सभी जीव जो हैं वो एनर्जी प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, रेस्पायर करते हैं। ड्यूरिंग ब्रीदिंग, जब हम सांस ले रहे होते हैं और सांस छोड़ रहे होते हैं, ब्रीद करते समय हम क्या करते हैं, हम हवा को अपने शरीर के अंदर खींचते हैं और हवा को ही अपने शरीर के बाहर छोड़ते हैं, लेकिन उस हवा में कुछ गैसों का मिश्रण होता है। जो हम सांस अंदर को खींच रहे होते हैं उसमें क्या होती है बच्चों, उसमें होती है ऑक्सीजन, और जो हम सांस बाहर को छोड़ रहे होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यानी कि जब हम ब्रीद इन करते हैं तो उस समय पे हम ऑक्सीजन गैस को अपने शरीर के अंदर ले रहे होते हैं, और जब हम ब्रीद आउट करते हैं उस समय पे हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर के बाहर निकाल रहे होते हैं, है ना। तो हमको सांस लेने की जरूरत क्यों है, कभी भी हम इंटेंशनली अपनी इच्छा से, मतलब ऐसा कभी नहीं होता है ना कि हम आके बैठे उसके सोच रहे चलो अब हम सांस ले लेते हैं, 1 2 3 सांस लेना स्टार्ट करते हैं फिर बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। सांस जो है वो ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु तक सांस लेने की प्रक्रिया जो है वो निरंतर चलती रहती है, ठीक है। तो हम रेस्पायर क्यों करते हैं, भोजन जो हम खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती रहे इसलिए हम रेस्पिरेशन करते रहते हैं। अब जो श्वसन है उसमें आपको ये जानना है कि जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके बाद जब हम सांस बाहर को छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल चुकी होती है, उसके बीच में क्या प्रक्रिया आपके शरीर के अंदर होती है। इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। हर एक कोशिका में जब हम सांस ब्रीद इन करते हैं, जब हम सांस अंदर को खींचते हैं, तो ऑक्सीजन गैस जो है वो हमारे हर एक कोशिका तक पहुंचती है, और हर एक कोशिका के अंदर जो ऑक्सीजन पहुंचती है वो क्या होती है, वो यूज हो जाती है। हर एक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचती है वो फूड के ब्रेक डाउन में यूज होती है,
और जब ब्रेक डाउन में यूज होती है तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो फूड के ब्रेक डाउन में यूज होती है, और उसके बाद जो फूड है वो क्या करता है, ऊर्जा निकालता है ना, ऊर्जा मिलती है, और उसी ऊर्जा का हमारा शरीर अलग अलग प्रक्रियाओं को करने के लिए यूज करता है। तो हर एक कोशिका में जो ये ब्रेक डाउन होता है फूड का, ये आपका कोशिकीय श्वसन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन, या इसे हम क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यानी हर एक कोशिका में जो श्वसन की प्रक्रिया हो रही है वो क्या कहलाती है, कोशिकीय श्वसन कहलाती है। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। जो ये कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया है बच्चों, ये सभी जीवों में, सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये सभी जीवों में परफॉर्म होती है। हर एक कोशिका में ये सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन पाया जाता है। इन द सेल्स द फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। कोशिका के अंदर क्या होता है, जो फूड है ग्लूकोज के रूप में, वो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वो रिलीज हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वो तोड़ दिया जाता है, और उसके बाद वही कार्बन डाइऑक्साइड जब हम सांस बाहर को छोड़ रहे होते हैं तो एक्सक्रीटरी मटेरियल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपने शरीर से बाहर सांस छोड़ते हैं, उस समय उस वायु में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, और जो ऑक्सीजन सांस लेते समय हमने अंदर को खींची थी वो यूज हो चुकी होती है। किसमें, सेलुलर रेस्पिरेशन में। अब ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है बच्चों, ये अलग अलग प्रकार का हो सकता है। मतलब एक तो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसे हम कहते हैं वायवीय श्वसन। ये एक्चुअली हम रिवाइज कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, तो हम इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं क्योंकि हम इसको बहुत विस्तार में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, इन द सेल द फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। यानी हर एक कोशिका में भोजन जो ग्लूकोज के रूप में आपके शरीर में है वो ब्रेक डाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदल जाता है, किसका यूज करके, ऑक्सीजन का यूज करके। तो ये होता है वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है बच्चों आपका, व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन ऑक्सीजन के यूज से होता है तब उसे हम क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं या एरोबिक रेस्पिरेशन उसी को हम कहते हैं। मतलब ऐसे प्रकार का श्वसन जिसमें ऑक्सीजन का यूज हो रहा है वो वायवीय प्रकार का श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। यदि एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा कहलाता है जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या कहलाता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन या अवायवीय श्वसन क्या होता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट ऑक्सीजन। यानी भोजन जो है वो बिना ऑक्सीजन के भी ब्रेक डाउन हो सकता है, लेकिन उसके ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो वायवीय श्वसन के समान नहीं होगा। यानी वायवीय श्वसन में जो प्रोडक्ट था वो आपका अवायवीय श्वसन में नहीं होगा। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन। ब्रेक डाउन ऑफ फूड विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब इस तरीके के श्वसन को हम क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन। इसे हम क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी। जो हमारा भोजन है, भोजन का जब ब्रेक डाउन होता है तो उससे क्या होती है, ऊर्जा मिलती है ना। वो किसी भी प्रकार के भोजन का ब्रेक डाउन हो, किसी भी तरीके से हो,
चाहे वो वायवीय प्रकार से हो चाहे वो अवायवीय प्रकार से हो, पर उसमें रिजल्ट के रूप में क्या होती है, एनर्जी का रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ये बात अलग है कि वायवीय श्वसन में एनर्जी जो होती है वो थोड़ा ज्यादा मात्रा में रिलीज होती है, लेकिन जब हम अवायवीय श्वसन की बात करते हैं तो उसमें जो है ऊर्जा वो कम मात्रा में रिलीज होती है। देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स सच एज ईस्ट दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर, दे आर कॉल्ड एनएरोब्स। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वायु की अनुपस्थिति में भी जीवन अपना जीते रहते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, एनएरोब्स कहलाते हैं। यानी कि ऐसे जीव जो बिना ऑक्सीजन के अपना जीवन निर्वाह कर ले रहे हैं वो एनएरोब्स कहलाते हैं। तो इसमें से आपका ईस्ट जो है वो एनएरोब्स की कैटेगरी में आता है। दे गेट एनर्जी थ्रू एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये किस तरीके से, ये अवायवीय श्वसन के द्वारा एनर्जी प्राप्त करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इंटू एल्कोहल एंड कार्बन डाई ऑक्साइड। लेकिन अवायवीय श्वसन की जब बात आएगी तो अवायवीय श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन जब होता है तो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यानी कि वायु जो ये श्वसन की प्रक्रिया है बच्चों, ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है। ये वाला आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, डिफरेंसेस बिटवीन एनएरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में आपको लिखना है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। पॉइंट नंबर टू में लिखना है, द प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल एंड एनर्जी। एनर्जी रिलीज इज लेस और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर पार्शियली ब्रोकन डाउन। एरोबिक रेस्पिरेशन में लिखना है, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, द प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी रिलीज इज मोर, यानी ज्यादा मात्रा में रिलीज होती है, और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर कंप्लीटली ब्रोकन डाउन, और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो है वो कंप्लीटली ब्रोकन डाउन हो जाते हैं। अभी तक के सेशन में आप सभी ने ये देखा कि पहला पॉइंट तो पहले क्वेश्चन का ये आंसर मिल गया आपको कि हम सांस क्यों लेते हैं, हम सांस लेते हैं मतलब हम श्वसन की प्रक्रिया क्यों करते हैं, हम रेस्पायर क्यों करते हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब जो ये रेस्पिरेशन है, ये श्वसन की प्रक्रिया है, ये हमारे सांस लेने से किस, सांस लेने और छोड़ने में और श्वसन की प्रक्रिया में कैसा अंतर है, किस तरीके का डिफरेंस है, वो भी आपको जानना होगा। जैसा कि आपने जाना कि ब्रीदिंग एक डिफरेंट प्रोसेस है और रेस्पिरेशन एक डिफरेंट प्रोसेस है ना। अब उसको सामान्य तौर पर आप गहरी सांस ले करके और उसके बाद जब हम सांस को होल्ड करके 2 सेकंड के लिए फिर जब छोड़ते हैं तो सांस लेने और सांस छोड़ने के बीच में हमारे शरीर में कुछ ऐसी है कि उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वसन की प्रक्रिया कहते हैं। जो श्वसन की प्रक्रिया हमारे सांस लेने और सांस छोड़ने के बीच में हमारे सांस के अंदर, हमारे शरीर के अंदर हो रही है। आप सभी को ये क्लियर हो गया कि जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हम ऑक्सीजन गैस को अपने साथ अपने शरीर के अंदर ले रहे होते हैं, यानी ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर पहुंच रही होती है हर एक कोशिका तक। और जब हम सांस छोड़ रहे होते हैं उस टाइम पे हमारे सांस में ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर श्वसन की प्रक्रिया में इस्तेमाल की जा चुकी होती है और जो प्रोडक्ट उससे बनता है, ऑक्सीजन जब हमारे शरीर में यूज होती है तो जो ग्लूकोज है वो तोड़ा जाता है, भोजन जो है जो हमने खाया है वो तोड़ा जाता है हमारे शरीर के हर एक कोशिका के अंदर, उसमें ऑक्सीजन यूज हो जाती है। और जब हम सांस छोड़ते हैं उस टाइम पे क्या छोड़ते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं, उसके साथ थोड़ा वाटर रिलीज करते हैं और एनर्जी, ढेर सारी हमें एनर्जी मिलती है। मतलब आप सभी ने महसूस किया होगा कि हर अंदर खींचती हुई सांस हमें क्या देती है, हमें ऊर्जा देती है।
और हर बाहर आने वाली सांस हमें रिलैक्स करती है, हमें आराम देती है। तो इसको हम कैसे समझेंगे? हर अंदर जो हम सांस खींच रहे हैं उसमें हम ऑक्सीजन गैस को अपने सांस के अंदर खींच रहे हैं जो कि प्राण वायु है, और उससे हमारे शरीर में एनर्जी बन रही है। तो इसलिए हर आती हुई सांस हमें ऐसा लगता है कि ऊर्जा प्रदान कर रही है, हमें लोगों को ऊर्जा दे रही है। और जब हम सांस छोड़ रहे होते हैं उस समय हमें ऐसा लगता है कि हर छोड़ती हुई सांस, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट मौजूद है, तो इसका मतलब ये लगता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है तो इसका मतलब कि वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर छोड़ रहा है, तो रिलीज की जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड जो श्वसन की प्रक्रिया के दौरान हमारे शरीर के अंदर बनी थी। इसमें क्या होता है, जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन की हम बात करते हैं, अवायवीय श्वसन की बात करते हैं, तो ग्लूकोज जो है वो पार्शियली ब्रेक डाउन होता है, यानी आंशिक रूप से तोड़ा जाता है, पूर्ण रूप से इस। और जब हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, यानी कि वायवीय श्वसन में, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल वायवीय श्वसन में कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है या पूर्ण रूप से इसको तोड़ दिया जाता है। तो आई थिंक सभी बच्चों को वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन समझ में आया होगा। इसके पॉइंट्स को सभी बच्चे नोट करेंगे अपनी कॉपी में, उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अब एक तो बात हो रही थी बच्चों वायवीय श्वसन की, एक बात हो रही थी अवायवीय श्वसन की। हमने क्लियर तौर पे एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में जान लिया, यानी एक ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है और दूसरे प्रकार का ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है। लेकिन इसके बीच में एक ऐसा श्वसन भी होता है जिसको हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन या अवायवीय श्वसन की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन वो किस परिस्थिति में होता है? वो होता है ऑक्सीजन के अभाव में। वो किस में होता है? ऑक्सीजन के अभाव में, मतलब जहां ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन के अभाव में। अब ये कैसे होता है उसके बारे में हम जानेंगे। हम सभी ह्यूमन बीइंग्स, हम सभी किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, हम सभी मनुष्य होते हैं। नॉर्मली हम कैसे एनर्जी प्राप्त करते हैं, नॉर्मली हमें ऊर्जा कैसे मिलती है? एरोबिक रेस्पिरेशन से या वायवीय श्वसन से। कैसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है? वायवीय श्वसन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं जब हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन कैन टेक्स प्लेस इन आर मसल्स फॉर अ शॉर्ट टाइम। जब हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है उस समय पे क्या होता है, ऑक्सीजन के अभाव में भी हम सांस लेते रहते हैं, यानी कि हमारे शरीर में रेस्पिरेशन की प्रक्रिया, श्वसन की प्रक्रिया हो सकती है थोड़े समय के लिए। जैसे व्हेन द ऑक्सीजन गेट्स यूज्ड अप फास्टर इन आर मसल सेल्स दैट कैन बी सप्लाइड बाय द ब्लड, देन अ टेम्परेरी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन अकर्स इन द मसल सेल्स। अब इसको समझेंगे कैसे। हमारे पास ऑक्सीजन जितनी, जैसे हमने सांस खींची है ना, तो आपने देखा होगा कि जब बहुत तेज दौड़ रहे होते हैं, जब हम फास्ट रनिंग कर रहे होते हैं, तो हम लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें भर ही नहीं पाते है ना। आप अगर दौड़ रहे हैं तो दौड़ते समय आप लंबी सांस नहीं भर पाते हैं। एक शब्द होता है हाँफना, हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं या हम हाँफना शुरू कर देते हैं। जब हम साइकिलिंग कर रहे हो, साइकिल चला रहे हो पहाड़ पे ऊंचाई पे, या नॉर्मल भी हम साइकिल चला रहे हो, या जिम में लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, भार उठाते हैं, तो भार उठाते समय भी, इस समय पे क्या होता है, आप जब शांत होके योगा कर रहे हैं तब आप लंबी गहरी सांस खींच के भर सकते हैं और फिर लंबी सांस छोड़ सकते हैं। लेकिन जब हम बहुत तेजी से जॉगिंग कर रहे हैं, फास्ट रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं या वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, मतलब हम लंबी और गहरी सांसें नहीं ले पाते हैं। हम जितनी लंबी गहरी सांस लेते हैं उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर
जाती है। लेकिन जब हम जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं तो क्या उतनी मात्रा में ऑक्सीजन हम अपने शरीर के अंदर ले जा पाते हैं जितने की जरूरत है? तो उस समय पे क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की क्या होने लगती है, कमी होने लगती है, मतलब अभाव होने लगता है। अब ये रेस्पिरेशन कैसा है, ये रेस्पिरेशन आपका अवायवीय प्रकार का है जिसमें ऑक्सीजन का अभाव हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन अनुपस्थित नहीं है, ऑक्सीजन की वहां पे क्या होने लग गई, कमी होने लगी। उस समय पे जब हम जल्दी जल्दी सांस ले रहे होते हैं या हम जब हांफने लगते हैं उस टाइम पे हम ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर बहुत ज्यादा नहीं पहुंचा पाते, लेकिन हमारी मसल सेल्स को बहुत ज्यादा एनर्जी की उस टाइम जरूरत होती है जब हम दौड़ भाग रहे होते हैं या कोई बहुत ज्यादा मेहनत का काम कर रहे होते हैं। तो कायदे से अगर सोचा जाए तो उस समय पे हमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन हम उस समय पे जितना नॉर्मल ऑक्सीजन होती है उससे भी कम ऑक्सीजन का सप्लाई अपने शरीर में कर पाते हैं। तो उस समय पे जब मसल्स को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है तो वो ऑक्सीजन के अभाव में भी क्या करता है, ऑक्सीजन के अभाव में भी वो श्वसन की प्रक्रिया करना शुरू कर देता है टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। क्योंकि अब हम जब दौड़ रहे हैं, अब जब हम साइकिलिंग कर रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। अब उस ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो मसल्स होती है, जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, उनको और ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना। लेकिन जब उनको पूरी ऑक्सीजन जितने की आवश्यकता है उतनी नहीं मिल पाती, द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन थ्रू ब्लड इज लिमिटेड, है ना, तो जब लिमिटेड ऑक्सीजन मिलती है तो क्या होती है, वो ऑक्सीजन कम पड़ जाती है ना, वो कैसी हो जाती है, इनसफिशियंट हो जाती है, या ऑक्सीजन का क्या होने लगता है, अभाव होने लगता है। अंडर दीज कंडीशन, ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल्स। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं उसमें क्या होता है, अवायवीय प्रकार का श्वसन शुरू हो जाता है जो थोड़े टाइम के लिए होता है, जिसमें ऑक्सीजन के अभाव में भी श्वसन की प्रक्रिया होने लगती है, क्योंकि हमारे शरीर को उस समय बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है, और वो ऐसी होती है कि जिसमें ऑक्सीजन का बहुत कम, मतलब ऑक्सीजन बहुत कम अवेलेबल है, या विदाउट ऑक्सीजन भी ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। किस काम के लिए, टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा एनर्जी एंड फुलफिल द डिमांड फॉर मोर एनर्जी। अब ऐसी प्रक्रिया में जब ऑक्सीजन का अभाव होने लगा हमारे शरीर में, हमारी मांसपेशियों में जो ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन की कमी में जो श्वसन की प्रक्रिया होने लगती है, वो एक तीसरे प्रकार का श्वसन कहलाता है, जिसमें ऑक्सीजन, एक तो हो गया वायवीय श्वसन जिसमें ऑक्सीजन का भरपूर यूज आपका शरीर कर रहा है और उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी भी रिलीज हो रही है। दूसरे प्रकार का श्वसन है, ईस्ट है, या आपके कुछ बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन की प्रक्रिया करते रहते हैं। और तीसरे प्रकार का श्वसन है जब हम बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, या सभी बच्चे पीटी करते हैं, दौड़ने भागने वाली जो कसरत कराई जाती है स्कूल में उस समय पर, या आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, उस समय पे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, उतना हम अपनी सांस के द्वारा नहीं खींच पाते हैं, उस समय पे भी श्वसन चाहिए करना, तो इसलिए हमारी जो मांसपेशियां हैं वो ऑक्सीजन के अभाव में भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस करने लगती हैं। लेकिन इससे क्या होता है, इससे होता यह है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो थोड़ा सा बदल जाता है, जो प्रोडक्ट हमारे साधारण वायवीय श्वसन में हो रहा था वो नहीं होता, प्रोडक्ट थोड़ा सा क्या होता है, चेंज हो जाता है। प्रोडक्ट कैसे चेंज होता है, व्हेन एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन आवर मसल सेल्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ग्लूकोज है, देन ग्लूकोज जो फूड है ग्लूकोज के रूप में हमारे शरीर में, ब्रेक्स डाउन पार्शियली, यानी तब वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, वो आंशिक तौर पे टूटने लगता है, और वो क्या बनाता है, वो बनाता है लैक्टिक एसिड, हमारी मांसपेशियों में क्या बनाता है, वो लैक्टिक एसिड बनाता है एंड रिलीजेस सम एनर्जी।
हमारी मांसपेशियां कोशिश तो ऐसा करती हैं कि ऑक्सीजन के अभाव में भी श्वसन की प्रक्रिया होती रहे, लेकिन उस समय पे एनर्जी उतनी रिलीज नहीं होती जितने की आवश्यकता होती है, बल्कि लैक्टिक एसिड रिलीज होने लग जाता है। और ये जो लैक्टिक एसिड है, ये कहीं ना कहीं जब बन रहा है तो ये यूज भी कहीं ना कहीं शरीर में जमने भी लगता है। एक्स्ट्रा एनर्जी जो थोड़ी बहुत निकलती है उस टाइम पे, वो तो हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज में यूज हो जाती है। लेकिन जैसे फिजिकल एक्सरसाइज आप कोई कर रहे होते हैं, बहुत फास्ट रनिंग कर रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, तो हमने आपने भी कभी ना कभी महसूस किया होगा मसल क्रैम्प्स। ये जो मसल क्रैम्प्स होते हैं, यानी मांसपेशियों में ऐंठन या खिंचाव हो जाना, ये जो मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है या खिंचाव हो जाती है, ये बहुत बार 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 मैं ये कह रही हूँ कि ये वेरी फास्ट रनिंग के टाइम पे या खेलने कूदने के दौरान होता है। कभी कभी सोते समय भी आपने इस तरीके का अनुभव किया होगा कि आपके पैरों की मसल्स में क्या हो गई, ऐंठन हो गई या खिंचाव हो गया, और बहुत पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उस समय पे। तो ये पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस, इन्हें हम क्या कहते हैं, क्रैम्प्स कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं क्रैम्प्स। अब ये क्रैम्प्स जो हैं, ये क्यों आते हैं उसका कारण हम जानेंगे। जब हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज सम ऑफ आर मसल्स रेस्पायर एनरोबिकली। जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं फिजिकली, जब हम ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो उस समय पे हमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। अब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो कुछ मसल्स क्या करती हैं, ऑक्सीजन के अभाव में भी श्वसन की प्रक्रिया जारी रखती हैं। अब ऑक्सीजन के अभाव में भी जब श्वसन की प्रक्रिया जारी रखती हैं, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी ऑक्सीजन की कमी जब हो, एनएरोबिक रेस्पिरेशन बाय मसल्स ब्रिंग अबाउट पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो उस समय पे क्या होता है, ऑक्सीजन के अभाव में जब श्वसन की प्रक्रिया मनुष्य के मांसपेशियों में होती रहती है, तो आंशिक तौर पे ग्लूकोज का टूटना होता है, और उस समय पे क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है हमारे शरीर में। ये जो लैक्टिक एसिड बनता है हमारे शरीर में, ये हमारी मसल्स में इकट्ठा होने लगता है। दिस लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट्स इन द मसल्स, ये हमारे मसल्स में मांसपेशियों में इकट्ठा होने लगता है, और ये मसल क्रैम्प्स जो है इसी लैक्टिक एसिड के इकट्ठा होने के कारण हमें महसूस होते हैं। मसल क्रैम्प्स अकर ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स व्हेन द मसल्स रेस्पायर एनरोबिकली, यानी जब हमारी मांसपेशियां ऑक्सीजन के अभाव में या अवायवीय तरीके से श्वसन की प्रक्रिया करती हैं, तब क्या होता है, हमारा शरीर जो है उसमें मसल क्रैम्प्स आ जाते हैं। और किस कारण से आ जाते हैं, लैक्टिक एसिड जो है वो हमारी मसल्स में जमा होने लग जाता है। इस कारण से क्या होता है, लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में जमा होने लग जाता है, इस कारण से हमारे शरीर में क्रैम्प्स आते हैं। और इस क्रैम्प से हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं, इसके बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे। और श्वसन कितने, आज हमने जाना, तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।